प्रभु श्री राम जब अपने दिव्य दरबार में विराजमान हो चुके हैं, जब 500 सालों का या यूं कहें सदियों पुराना इंतजार जब खत्म हो चुका है, तो अयोध्या में उमड़ा जनसैलाब इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये वो पल है जिसका इंतजार राम भक्तों को था और जिसके लिए राम भक्त न जाने कितने सालों से कड़ा संघर्ष कर रहे थे। वो मौका अब आ चुका है। प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, दिव्य दर्शन दे रहे हैं और रामलला का वो स्वरूप इतना मनमोहक है कि जो दर्शक है, जो श्रद्धालु हैं, जो आम लोग हैं, जो राम भक्त हैं, वो रामलला की उस छवि को अपनी आंखों में समेटे बरबस उन्हें बस देखना ही चाहते हैं। कुछ ऐसा है प्रभु श्री राम का वो स्वरूप और ये स्वरूप इसलिए खास है क्योंकि एक लंबा इंतजार करना पड़ा। आज वो अयोध्या जहां तलक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही नजर आएगी। ये अयोध्या जो कभी सूनी पड़ी रहती थी, वो अयोध्या जहाँ कभी राम भक्त आने से पहले 10 बार सोचा करते थे, वो अयोध्या जहाँ राम भक्तों के आने पर पाबंदी लगाई जाती थी, वो अयोध्या अब गुलजार हो रही है। उस अयोध्या में अब जय श्री राम का उद्घोष देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, सुबह 4:30 दर्शन के बाद राम मंदिर के कपाट फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन दोपहर 2 बजे एक बार फिर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। उधर भक्तों का जनसैलाब ऐसा है, अयोध्या ने ऐसा वैभव, इतना जोश, ऐसा उत्साह शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। ऐसा लगता है कि अयोध्या में त्रेता युग लौट कर वापस आ गया है। सबकी जुबान पर एक ही नारा है, एक ही नाम है, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये जय श्री राम का उद्घोष पूरी अयोध्या में देखने को मिल रहा है। फिलहाल सुबह 4 घंटे दर्शनों के बाद रामलला के कपाट बंद कर दिए गए हैं और अब जो दर्शक मेरे आसपास आप देख रहे हैं या जिस तरीके से राम भक्तों का सैलाब आप मेरे आसपास देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो राम के दीदार का, जो प्रभु श्री राम के दीदार का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे हैं और उनके दर्शन के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। अब रामलला दर्शन करने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। भक्ति पथ खचाखच भरा हुआ है। राम मंदिर के सामने भी भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि इस वक्त अयोध्या का क्या माहौल है। तो आप तस्वीरें देखिए, आप ये जनसैलाब देखिए और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। और ये राम लहर, ये राम का नाम सिर्फ अयोध्या में नहीं है बल्कि राम का नाम पूरे देश में, अयोध्या से निकलकर ये राम लहर पूरे देश में सनातन के सूर्य उदय की परिभाषा दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में भी जो राम भक्त रहते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं राम की लहर सबको एक रंग में, सनातन रंग में डुबोती हुई नजर आ रही है। जय श्री राम का उद्घोष देखने को मिल रहा है। जो दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन मेरी सहयोगी रुचि कुमार ने जब लोगों से बात की तो क्या रहा लोगों का रिएक्शन, आपको सुनवाते हैं। ये भक्ति पथ है जो राम जन्मभूमि जा रहा है, पीछे हमारे राम मंदिर है और यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ है। इतनी ज्यादा भीड़ है कि इनको लाइन में खड़ा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं की भावना भी हम समझ रहे हैं कि हर श्रद्धालु ये चाह रहा है कि बहुत जल्दी राम लला के दर्शन वो कर ले और उस होड़ में आगे जाने की कोशिश हो रही है। हालांकि कई बार यहाँ लाइन लगवाई गई है, लेकिन सभी की कोशिश यही है कि बहुत जल्दी से जाके भगवान प्रभु राम को देखे, उनकी जो नई मूर्ति है जो गर्भगृह में विराजमान हुई है वो देखे। सब इसी लाइन में यहाँ पे खड़े हैं। आपका नाम क्या? हमारा नाम है पंडित उदय भान शास्त्री। हम जगत गुरु जी, जगत राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं। अब उन्हीं के कार्यक्रम में जय महाराज जी के साथ हम सेवा में थे, हम भी दर्शन करने आए हैं। अभी दर्शन नहीं हो पाए, अभी नहीं हो पाए, हम तो अंदर से बाहर को भगाए, बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, राम नाम से तूने बंदे हो, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, सियावर रामचंद्र जी जय।